हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग फाइनली देखने वाले आपके क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स की भौतिकी की सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिससे आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 में तैयारी करने में हेल्प हो पाए। ठीक है, तो आप लोगों ने भाई वोटिंग किए थे कि आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, तो जिसमें फिजिक्स की, ठीक है, फिजिक्स की सबसे ज्यादा वोटिंग थी। तो आप लोगों के लिए हम फिजिक्स की क्वेश्चन ले आए हैं, जिससे आपकी तैयारी करने में हेल्प हो। तो चलो देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो देखो, आप लोगों को पता होगी कि आप लोगों को मैं ऑप्शनल नंबर्स, मतलब ऑप्शन वाली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वन मार्क्स में क्वेश्चंस आती है, लेकिन इस तरीके से छोटा छोटा सा आते हैं। तो आपको फिजिक्स में भाई देख लो आप लोग कि आपको इसी तरीका से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम कंप्लीटली आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से रियल में अच्छे से हो पाए। और आप सही से आप तैयारी कर लिए हो तो इसके बाद आपकी फाइनली 100% आप श्योर हो जाओ कि हाँ भाई आपकी तैयारी हो गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस को। प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, द्विविमी गति से आप क्या समझते उसको बताना है। तो द्विविमी गति जब करने जाओगे आप बुक में, तो साथ ही साथ एकविमी गति और त्रिविमी भी गति करते चले आना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर हमारे द्वारा डिजाइन किया हुआ कि सैंपल हम आपको दे रहे हैं, है ना। तो स्कूल टीचर्स आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे, तो आसपास की क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाएंगे। फिर ऊर्जा का मात्रक तथा विमी सूत्र, इस तरीके से यहां पर ऊर्जा का मात्रक बोला गया, तो आप बाकी भी का विमी सूत्र मात्रक ये सब चीज लिखना सीखे। प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक प्रकाश वर्ष क्या है, इसका मान कितना होता है वो कर लेना। ठीक है, फिर सोनार, तो सोनार का पूरा नाम आपको क्या है वो लिखना है। फिर यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं ये आपको करना है। ये पांच क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स जिस किसी को भी पता है प्लीज कमेंट कर देना। इससे क्या फायदा होगा कि आपको तो चलो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आप लिख रहे हैं, आप तो लिख लोगे तो आपको हो जाएगा, लेकिन कई ऐसे भी है बच्चे जिनके पास ये सब चीजें के आंसर्स नहीं हो पाते, तो उनको भी पता चल पाए कि इसके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट नहीं किया जा सकता, बट इन पांच क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके टू मार्क्स वाले क्वेश्चन होती है भाई, लगभग आपका चार से पांच क्वेश्चन दो नंबर वाली आती है। तो इसमें हमने आपके तिमाही के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पांच दो नंबर वाली क्वेश्चंस दे रहे हैं, बता रहे हैं वो क्या क्या कि विस्थापन एवं दूरी में अंतर आपको करना है। ठीक है, प्रक्षेप्य पद के उड्डयन काल से आप क्या समझते उसको करना है, जो प्रक्षेप्य पद होती है। ठीक है, प्रक्षेप्य पद के उड्डयन काल उसकी परिभाषा, ठीक है, प्रक्षेप्य पद आपने पढ़ रखे हैं इस तरीके से, तो इसमें उड्डयन काल किसको बोलते हैं वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षी तथा असंरक्षी बल क्या होती है वो आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन इस तरीके से आपको बोल सकते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्यों वाला, कि आटा पीसने की चक्की में हत्था जो है, इस तरीके से आटा पीसने की चक्की होती है आपको पता है, तो इसमें ये परिधि के पास में इसका हैंडल ही क्यों लगाया जाता है, इस घुमाने वाला आप लोग देखे होंगे चक्की, ठीक है, तो उसके परिधि के पास ही क्यों लगाया जाता है वो आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, इसका सूत्र आपको लिखना है। तो ये दो अंक वाली आपको इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग में से बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि किस में से पढ़ें, मीन्स बहुत अक्सर ये क्वेश्चन आती रहती कि एनसीईआरटी से पढ़े, है ना, एनसीईआरटी से करे कि एनसीईआरटी होता है, ठीक है, एनसीईआरटी से करे, या फिर करे आपके नवबोध, है ना, या क्वेश्चन आती है प्रबोध से करें, किससे करना है आपको, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप किसी से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो अच्छी बात है, वेरी गुड, फिर परीक्षा इसे नवबोध या प्रबोध करो तब भी है, बुरी बात नहीं, इसमें से खराब नहीं कि आप सही कर रहे हो वहां पर भी, बस आपको शर्त यह है कि आप वो चीजों करो जो सिलेबस में आपको है, क्योंकि बुक में जरूरी नहीं है कि जिस सिलेबस में, मान के चलो पार्ट एक में ये आपका दिया है सिलेबस में, तो वो तो बुक में पार्ट दो में भी हो सकती ना वो चीजें, तो आप सिलेबस के हिसाब से किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको टॉपिक क्लियर करना है, ना कि आपको बुक से मतलब होनी चाहिए। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी में थोड़ी सी उसको सटीक दिया जाता है, तो आप एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट आपके पास प्रबोध नवबोध है तो उन चीजों को कंप्लीट फॉलो करते चलिए। और क्वेश्चंस किस बुक से आता है, तो भाई क्वेश्चन किसी बुक से, पर्टिकुलर बुक से नहीं आता, आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक इंक्लूड है उसी टॉपिक से आता है, आप उसको किसी भी बुक से रिफर कर सकते हो। ठीक है, अगर नवबोध होगी तो भी नवबोध से पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें से जो क्या बोल सकते हो उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं और उसमें से पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी होते हैं उसमें। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। फिर चलो आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो हम थ्री मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्या पूछे जाते हैं कि
एक समान त्वरित गति के लिए समीकरण आपको क्या करना है, इसकी उत्पत्ति करना है। एक समान त्वरित गति के लिए ये वाली समीकरण को आपको बनाना है, ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर को, ठीक है, इसकी उत्पत्ति करना है 3 मार्क्स के लिए। अब फिर विमी सूत्र पूछे जाते हैं, तो आपको विमी सूत्र में द्रव्यमान, त्वरण, बल, आघूर्ण, इस तरीके से आपको विमी सूत्र वाली वीडियो में जितनी भी चीजें बताया था उन चीजों को कर लेना, कंफर्म हो जाएगा फिर आपको विमी सूत्र वाली टॉपिक। फिर आपको इस तरीके से पूछा जाता है आपके, ठीक है, चैप्टर नंबर इसमें से समतल में गति वाले चैप्टर से, ठीक है, तो ये वाली परस्पर लंबवत है बोला गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर परस्पर लंबवत है बोला गया, तो दूसरे कोण ज्ञात करने आपको बोल सकते हैं, ठीक है, कोण अज्ञात करने वाले भी आपको आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। समांतर है वाला पूछा जाता है तो इसको कर लेना, इसको योग वाली आना चाहिए आपको, मॉड ए निकालने आना चाहिए, मॉड बी निकालने आना चाहिए, ठीक है, एकांक सदिश निकालने आना चाहिए, क्लियर है। जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो चीजें कर लेते हो तो कन्फर्म इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी आपकी हो जाएगी, क्लियर है। फिर 3 मार्क्स के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्पी घर्षण व बेलन घर्षण में आपको अंतर लिखना है, तो इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीन्स आपके इसमें से, ठीक है, बोल सकते हैं डेरिवेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ इस तरह से थ्योरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका सीधा 4 मार्क्स के क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सी क्या हो जाएगी ये वाले, ठीक है, ये भी एक 3 मार्क्स वाली क्वेश्चन सी है ये भी, ठीक है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखकर आपकी आपको सिद्ध करना है, ठीक है, न्यूटन की द्वितीय नियम आप चैप्टर नंबर 5 पे पढ़ रहे होंगे आप लोग या पढ़े होंगे, तो उस पर जाओगे तो आपको सीधा सीधा ये मिल जाएगा। अगर नहीं आती है तो भाई आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको चाहिए इसकी सॉल्यूशन, हम आपको मतलब सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन नहीं, टॉपिक की सॉल्यूशन की न्यूटन गति का ये, तो हम इस पर वीडियो बना देंगे, बट आप लोग के लिए वीडियो बनाया जाता है तो आप लोग उस पर क्या व्यूज नहीं आते, तो कहीं ना कहीं हमारी मोरल डाउन हो जाती है कि आप लोगों को उस चीजों की जरूरत नहीं है करके, ठीक है। बट हमने स्टार्ट किए थे अवकलन समाकलन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दिया गया, चैप्टर नंबर 4 तक की डली है लगभग वीडियो, ठीक है, 4 की हाफ चैप्टर लगभग बाकी है तो उसको करा देंगे और 5th चैप्टर की भी बहुत जल्दी करा देंगे, ठीक है। फिर आपके प्रश्न 12 पर चलो, इसमें कारण बताओ, तो इस तरीके से कारण बताने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि घोड़ा शून्य आकाश में गाड़ी नहीं खींच सकता है, क्यों, इसको बताना है। फिर राइफल चलाने पर चलाने वाले व्यक्ति को पीछे धक्का क्यों लगता है, उसको बताना है। फिर यह अथवा में इसको इस तरीके से, क्योंकि 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, मीन्स इसमें से यहां से अथवा स्टार्ट हो जाता है, क्या आवेग संवेग प्रमेय लिखकर, ये भी आपके चैप्टर नंबर 5 में दिया है, वो बहुत आसान चैप्टर पोर्शन है, ये टॉपिक है, तो इसको भी आवेग संवेग प्रमेय लिखना है, उस प्रमेय को सिद्ध करना है, बहुत आसान है, इसको भी आप कर सकते हैं बुक में डायरेक्ट या नवबोध प्रबोध जो भी बुक आपके पास, तो इस टॉपिक को करके देख लेना, ठीक है। फिर आपको विमी सूत्र की सत्यता जांच करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सत्यता जांच करने वाले क्वेश्चन जरूर कर लेंगे भाई, इसमें इसके अथवा में क्या जड़त्व क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर के आपको समझाना है, ठीक है। तो ये रहा 13 नंबर का क्वेश्चन जो कि चार, तो 5 नंबर वाले, तो देखो हमने जब ये क्वेश्चंस डिजाइन किया तो कंप्लीटली हम ब्लूप्रिंट फॉलो किया है, जिस चैप्टर से अगर 4 मार्क्स वाली आती है तो हम उसी चैप्टर से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन लिए, और जिस चैप्टर से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आती है उस चैप्टर से 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन लिए, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चन को आप लोग तैयारी करते चलिए, डेफिनेटली आपका फाइनल एग्जाम में भी इन सब हेल्प होगा, ठीक है। एक प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई ए तथा उड्डयन काल टी है, तब आपको सिद्ध करना है कि 8h = gt², ठीक है, ये दिया हुआ है तब, या आपको क्या कर लेना है, प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई हेतु, ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई हेतु आपको क्या कर लेना, व्यंजक निकाल लेना, या तो आपको उसको सिद्ध कर लेना, ये कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नेक्स्ट स्टेप किसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसी चैप्टर से, राइफल से छोड़ी गई एक गोली द्वारा प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई, मतलब एज की वैल्यू दिया है 25, और आपको परास दिया हुआ है, मतलब वहां पर जो उसकी रेंज मींस आर की वैल्यू दिया है 200 मीटर, तब आपको गोली का प्रक्षेप कोण निकालना है, बहुत आसान है, इसको आप फॉर्मूला में रखोगे तो आराम से आपसे बन जाएगा, ठीक है, तो उसको करके देख लेंगे, या उसके अथवा में चलो ये डेरिवेशन न्यूमेरिकल आपको उससे नहीं बनता तो आप ये वाली कर सकते, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ जो है परवलयकार होता है, ये इसको भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि इस तरीके से हम करते हैं तो वो परवलयकार होता है, ये वाली बनती है, क्योंकि दो तरीका से होती है, या तो ऐसे बनता है ना, या तो ऐसे बनता है, तो परवलयकार में ये वाली हो जाएगी, सैड सैड वाला बोलता है इसको, हम लोग बोलते हैं हैप्पी साइन, इसको सैड साइन, तो सैड साइन है करके आपको प्रूफ करना पड़ेगा, क्लियर है। तो आई थिंक आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि आपकी 11th फिजिक्स में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, और डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी
हो जाएगी। और आपकी तैयारी कितना हुआ है, नेक्स्ट कौन सी सब्जेक्ट की आपको सैंपल पेपर चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। और याद रखनी है सैंपल पेपर यही 100% नहीं आने वाले, जो भी क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस बनाते तो हम किस तरीके से बनाते वो आपको बना के दिखाएं, ठीक है। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पे। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जो है रिकमेंड जरूर कर देना, ताकि उनकी भी तैयारी है आपके जैसे बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।